दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आयकर विभाग ने दो दिन पहले मोइन नाम के आदमी के घर पर छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने वहां से बड़ी रकम जब्त की थी। आयकर विभाग का दावा है कि नकदी का बड़ा हिस्सा दिल्ली के किसी बड़े राजनीतिक दल के मुख्यालय भेजा गया। खबर है कि मोइन कांग्रेस नेता अहमद पटेल का चीफ अकाउंटेंट है। सोमवार को जब मोइन दफ्तर नहीं आया तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल उससे मिलने उसके घर गए थे और 10 मिनट बाद वहां से लौट आए थे। आयकर विभाग ने देश के 4 राज्यों में 52 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में 281 करोड़ की बेहिसाब नकदी का पर्दाफाश किया है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट ने दावा किया है कि इस रैकेट में राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ नौकरशाह भी जुड़े हो सकते हैं। सीबीडीटी के मुताबिक इस नकदी का बड़ा हिस्सा एक बड़े राजनीतिक दल की पार्टी मुख्यालय में भेजा गया था, जिसमें 20 करोड़ की रकम भी शामिल है, जिसको हवाला के जरिए पहुंचाया गया था, जिसमें करीब 15 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। हालांकि सीबीडीटी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया है।